अब नंबर ऑफ 50, द नंबर 50 इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/12। अब दो पार्ट हैं, अब देखो यहाँ पे, ये देखो इसमें ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आप ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी लगा सकते हैं। कैसे? बोला है सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल 1/12 है, तो अगर इन दोनों को सबको रेसिप्रोकल करके देख लो, 30 का रेसिप्रोकल करो, 20 का रेसिप्रोकल करो, चेक कर लो क्या 1/12 आ रहा है। ऑप्शन से पहले करके देख लेते हैं, तो एलसीएम लोगे कितना आएगा, यहाँ पे 60 आ जाएगा, तो 3 2 6 2 3 6 5/60। क्या पहली ऑप्शन आ गया क्या? क्या ये पहली ऑप्शन आ गया, यस और नो? क्या ये ए पार्ट आ गया क्या, चेक करना, पहली ऑप्शन सही हो गया है। देखो जरा ध्यान से, अगर मैं इन दो नंबर का रेसिप्रोकल करूं, रेसिप्रोकल मतलब 1/1, तो 1/30 प्लस 1/20 एलसीएम आया 60, तो ये 2 और ये 3, 5/60 1/12, और ये 1/12 भी तो था। दिस इज ऑब्जेक्टिव अप्रोच, ठीक है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच है, अगर पूरा सॉल्व करना हो तब क्या करेंगे, ठीक है। तो अगर तुम्हारे पास 50 जो था वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा था, तो लेट कर लिया, लेट फर्स्ट पार्ट बी एक्स, लेट फर्स्ट पार्ट बी एक्स, अगर हमने पहला पार्ट जो है वो एक्स मान लिया, तो मेरा सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा भाई? अगर मेरे पास 100 रुपए हैं, मैंने 20 रुपए किसी को दे दिए, तो कितने बचे? 100 में से 20 माइनस करने पड़ेंगे, तो 50 में से 1 पार्ट अगर एक्स हो गया है, तो सेकेंड पार्ट कितना बचेगा? 50 में से ये एक्स हट जाएगा, 50 माइनस का एक्स, समझ में आ गया? फर्स्ट पार्ट एक्स, सेकेंड पार्ट इज 50 माइनस एक्स, फर्स्ट पार्ट एक्स 50 माइनस एक्स। अब इन दोनों का रेसिप्रोकल करके सम करके इसके बराबर करना है। क्या लिखा है? दो पार्ट में डिवाइड होने के बाद सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, यानी एक्स का रेसिप्रोकल 1/x और इसका रेसिप्रोकल 50 माइनस एक्स, किसके बराबर? 12 1/12 के। यहां से एक्स निकालना होगा, यहां से आपको एक्स फाइंड आउट करना होगा। तो अगर मैं यहां पे इन दोनों में एक्स कॉमन, मतलब एलसीएम ले लूं एक्स 50 माइनस एक्स, तो 50 माइनस एक्स यहां पे आ गया, प्लस का एक्स हो गया बराबर 1/12, एक्स एक्स कट जाएगा, देखो कितना आएगा, ऊपर तो 50 बचा, ये मल्टीप्लाई कर लो 50x - x² = 1/12, ये इधर पहुंच जाएगा 50 - x² और ये 12 × 5 = 60, 600 हो जाएगा, ये इधर पहुंचेगा, तो एक्स स्क्वायर और ये 50x है, तो माइनस का 50x प्लस का 600। अब 600 के ऐसे दो फैक्टर कर लो, तो 60 × 10 600 होता है, और 60 - 10 50 होता है, बस कर लो मिडिल टर्म्स पे आंसर आपका, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 60x प्लस का 10x प्लस का 600 बराबर 0, ठीक है। तो x कॉमन लिया तो x माइनस 60, 10 कॉमन लिया तो x माइनस 60 बराबर 0। यहाँ पे कुछ माइनस की गलती हुई है क्या, एक मिनट, नहीं 30 20, 6 और 10 से काम नहीं चल रहा है, 30 20 लेने पड़ेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 30x माइनस का 20x, ये लेना पड़ेगा फैक्टर, नहीं तो साइन की प्रॉब्लम आ रही है इसमें, उसमें हमारी साइन की प्रॉब्लम आ रही है। तो x कॉमन लिया तो x माइनस 30, इन दोनों में माइनस 20 कॉमन लिया तो x माइनस 30 बराबर 0। अब एक ब्रैकेट में x माइनस 30, एक ब्रैकेट में x माइनस 20 बराबर 0। अब एक बार इसको 0 कर दो, एक बार इसको 0 कर दो, तो अगर x माइनस 30 को 0 के बराबर किया तो x आ जाएगा 30 के बराबर, और एक बार अगर x माइनस 20 को 0 के बराबर किया तो x आ जाएगा 20 के बराबर, तो 30 और 20 हमारे आंसर आ जाएंगे, 30 और 20 आंसर आ जाएंगे, समझ में आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सोचो कितना टाइम सेव हो जाएगा, कितना टाइम यहाँ पे सेव हो जाएगा, चेक करो जरा फटाफट, चेक करो जरा फटाफट,